इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, सुनवाई चल गई है। आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है, बड़ी जानकारी, राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, चार्ज फ्रेम करने पर बहस हुई है, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज दो से आरोपियों पर बहस होनी है, तो 16 अगस्त को होगी अगली सुनवाई, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़ी है बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में आपके पास? बिल्कुल, देखिए आज की सुनवाई पूरी हो गई है, अगला डेट जो है वो 16 अगस्त को दिया गया है। जो तेजस्वी यादव के वकील है, जो लालू प्रसाद यादव के वकील है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो जांच कर रही एजेंसी है उनके वकील की तरफ से कोई ऐसा एविडेंस नहीं पेश किया गया है जिससे ये दिखे कि वाकई जो घोटाला टेंडर दिया गया, चाहे वो कैंटीन का हो या दूसरे मामला जुड़ा हुआ कुछ चीज का हो जिसमें ये सत्यापन हो, उसमें लालू प्रसाद यादव मंत्री रहते हुए उसका इन्वॉल्वमेंट है या उन्होंने किसी के लिए अप्रोच या पहल किया है, ऐसा कोई भी एविडेंस जो जांच एजेंसी है उनके द्वारा नहीं पेश किया गया है और किसी भी आधार ऐसा नहीं बनता है जिस पर दोष साइड किया जाए। तो आज इतनी बहस हुई और उसके बाद अगला डेट है वो 16 अगस्त को मुकदर कर दी गई है। अमित, आपसे जानना चाहेंगे क्या दलीलें पेश की गई है? दलीलें यही दी गई जो लालू प्रसाद यादव के वकील थे, उन्होंने कहा कि जो जांच एजेंसियां हैं उनके वकील के तरफ से कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं पेश किया गया जिसमें इस चीज को दर्शाता हो कि लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री होते हुए किसी भी टेंडर में या किसी भी तरीके में उनका इन्वॉल्वमेंट हो या उसका कोई अप्रोच हो, ऐसा कोई भी एक भी एविडेंस वकील के तरफ से, जो जांच एजेंसी के वकील है उनके तरफ से नहीं पेश किया गया जिसके आधार पर उन पर आरोप तय हो। फिलहाल अगला डेट जो है वो अगला डेट 16 अगस्त को मुकदर कर दी गई है, अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। और अमित, आज दो सह आरोपियों पर भी बहस हुई है, इससे जुड़ी विस्तार से जानकारी दीजिए। सॉरी अमित, आज दो सह आरोपियों पर बहस भी हुई है, इससे लेकर के ज्यादा जानकारी दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए आज नॉर्मल हेयरिंग थी, उसी में यही बहस हुआ, यही जो जो लालू प्रसाद यादव को वकील थे उनसे उन्होंने यही कहा कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं पेश किया गया है जिसमें दोष तय हो पाए। और जैसे ही यह बातचीत हुई, महज 5 से 7 मिनट का बहस चला होगा, 5 से 7 मिनट के बाद जो है वो अगली डेट 16 अगस्त को तय की गई है। तो लंबा बहस नहीं चला, थोड़ा सा ही बहस हुआ, महज 5 से 7 मिनट का बहस हुआ जिसमें सिर्फ यही कहा गया लालू प्रसाद यादव के वकील की तरफ से कोई ऐसा नहीं दिया गया है जिसके तहत यह माना जाए कि लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री होते हुए उनका इन्वॉल्वमेंट किसी भी टेंडर से जुड़ा हो या किसी में उनका अप्रोच या उनका किसी में इन्वॉल्वमेंट हो, वो ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं प्रतीत हुआ। तो अगली डेट जो है वो जज ने बकायदा 16 अगस्त को मुकदर कर दिया गया है। अब अगला जो बहस होगा वो 16 अगस्त को अगली बहस होगी। लक्ष्मी, ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आईएसटी घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है, चार्ज फ्रेम करने पर बहस हुई, आज दो से आरोपियों पर बहस हुई है, 16 अगस्त को अब इस मामले को लेकर के अगली सुनवाई होगी, 16 अगस्त का वो दिन होगा जब अगली सुनवाई होगी, इसे लेकर के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है। आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़ी ये खबर है, राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है, चार्ज फ्रेम करने पर बहस हुई।